मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, कल मेरा पेपर था स्कॉलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दामोदर नगर कानपुर में। मैं उधर पेपर देने गया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। कई सारे छात्र जो कि इसमें पेपर देने आए थे वो लोग मुझे मिले। उनमें एक लड़का आकाश कुमार हरदोई से था, उसने मुझे पहचाना। उसके बाद काफ़ी देर बातचीत हुई मैंने, और उसके बाद एक लड़का एरवा कटरा से आया हुआ था वो मिले। कुछ लोग कानपुर के थे, एक लोग गोरखपुर से मिले थे। तो बहुत सारे लोग जो मुझे पहचान रहे थे उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा मुझे उन लोगों के साथ मिलकर। और कई सारे बच्चे लगातार कह रहे थे कि ये पेपर आपके वजह से संभव हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सबका सहयोग था, पेपर संभव हुआ, संपन्न हुआ। मेरा पेपर भी कल 31 जनवरी 2024 को द्वितीय पाली में था, तो मैं भी पेपर देने गया था अपना। और जैसा कि पेपर देने के बाद जब मैं निकला तो मुझे जो पेपर देखने के बाद महसूस हुआ, मैं अपना जो रियल एनालिसिस है वो आपके साथ लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स ने एक र्यूमर फैला रखा था, अफवाह फैला रखी थी कि पेपर बहुत टफ आ रहा है या बहुत ऐसा आ रहा है। हो सकता है ये एनालिसिस मेरी शिफ्ट का हो, लेकिन मैं अपनी शिफ्ट का बता रहा हूँ आपको, बाकी शिफ्टों का मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो मैंने पेपर में देखा, मैं जो महसूस किया, मैं वो आपके साथ साझा करने आया हूँ। और उसके आधार पर मैं कट ऑफ वगैरह पर भी आपसे बात करूँगा आज ही। तो सबसे पहले तो मैं पेपर देने गया था, पेपर कैसा आया तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत पेपर सरल भी नहीं था और बहुत कठिन भी नहीं था, एक मॉडरेट मीडियम लेवल का पेपर था, मॉडरेट था। ऐसा पेपर था कि मीडियम लेवल था इसका। मैंने देखा तो हिंदी बहुत अच्छी थी, मैं आपको बता दूं हिंदी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं बहुत हिंदी पढ़ा नहीं हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। फिर भी लगभग 32 to 36 तक मैंने क्वेश्चन अटेंड, मतलब सही से अटेंड किए होंगे, 32 से ऊपर ही मेरे सही हैं हिंदी में। इसके अलावा जीएस भी थी, तो जीएस ठीक ठाक थी, जीएस भी समझ आ रही थी, जो चीज़ें पढ़ी हुई थी, जितना मेहनत करी होगी अपने हिसाब से बने होंगे प्रश्न। मेरे को उतनी समझ नहीं है जीएस और हिंदी की जो मैं उसका रियल एनालिसिस कर सकूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज है, जब मैंने बहुत ज़्यादा दिन नहीं पढ़ी है उसके बाद अगर हिंदी मेरी सही हो रही थी तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा पेपर था, सही पेपर था, मतलब पढ़ा हुआ। उसके अलावा मैं बात करूं, मैं थ्रीजनिंग इसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा आपको, और जीएस में फिजिक्स वाले पोर्शन की बात करूंगा। तो फिजिक्स का बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैंने देखी, हिंदी 1 से 40 तक थी, पूरे 40% हुए। जो रीजनिंग, जब जीएस की बात करूं, तो वो 41 से शुरू हो रही थी और 89% तक आपकी गई, 80 पे समाप्त होना चाहिए था, वो 89 तक गई। यानी कि इसका मतलब जो जीएस पोर्शन में थे वो लगभग 49% थे, वो लगभग 49% थे। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के जो पर्सेंट थे वो लगभग 18 से 20% आपके होंगे, 18 से 20% होंगे, जिसमें लगभग 10 से 13 के करीब न्यूमेरिकल भी होंगे। 3-4 न्यूमेरिकल तो गतिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है हाफ एमबी स्क्वायर, उससे ही दिए गए थे। गतिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है हाफ एमबी स्क्वायर, इससे दिए गए थे। एक न्यूमेरिकल गलत भी था, वो मतलब उसका आंसर उसमें नहीं दिया गया था सही, वो भी उसी में था। इसके अलावा मैं केमिस्ट्री से भी 4-5 क्वेश्चन थे, फिर बायो से भी कुछ प्रश्न थे, तो ये पोर्शन। उसके बाद आपका यूपी स्पेशल से एक प्रश्न था, और हिस्ट्री ज्योग्राफी से मुझे एक एक प्रश्न दिखा, बहुत ज़्यादा नहीं दिखे मुझे। स्टैटिक के कुछ प्रश्न थे, और बाकी करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा दिखा नहीं मुझे। जो करंट अफेयर दिखा वो थोड़ा पुराना दिख रहा था, 1-2 प्रश्न दिखे जो मुझे। बात करूँ अगर मैथ की, तो मैथ भी लेवल बहुत अच्छा लेवल था, 1-2 प्रश्न ऐसे, DI के 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े से लेंदी थे, थोड़े से लेंदी, और DI का मतलब ही थोड़ा लेंदी होता है। बाकी सारे प्रश्न सही थे, 2 प्रश्न कार्य समय थे, औसत से भी 2-3 प्रश्न थे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न थे, परसेंटेज से भी प्रश्न थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न थे, पार्टनरशिप से भी प्रश्न थे, और रेशियो से प्रश्न थे, आयु वाले प्रश्न भी थे। इस तरीके से एक बंधा हुआ बढ़िया पेपर बना हुआ था। रीजनिंग भी थी, तो रीजनिंग ऑफ ब्रेड लेसन था, सिटिंग अरेंजमेंट था, अल्फाबेटिकल सीरीज से भी प्रश्न थे, उसके अलावा नंबर सीरीज भी थी, और जो है पुलिस जो धारणा, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न देखने को मिले, जो आपको पढ़ना, जो मतलब जिसके प्रश्न दिए गए थे, वो पुलिस अधिनियम 1861 से प्रश्न थे, और उसके अलावा IPC से प्रश्न थे। एक प्रश्न FDI से आया था, इस टाइप से प्रश्न देखने को मिले। तो मेरे समझ में जो मैं बता रहा हूँ आपको, और इस शिफ्ट का मैं 31 की जो सेकेंड शिफ्ट है, मैं उसके हिसाब से जो पेपर का एनालिसिस करूँ, तो जिन बच्चों के भी 100
ओबीसी की बात कर रहा हूं, 110 से 115 तक अटेंड हैं परसेंट, सही सही अटेंड तो चूंकि सारे किए होंगे आपने माइनस मार्किंग, अगर इतने आपके सही हैं 110 से ऊपर आपके सही परसेंट है तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और आपका कन्फर्म मतलब आएगा। कई सारे लोग कह रहे थे 250 तक कट ऑफ जाएगा, 200 तक जाएगा, तो मेरे दोस्त इतना आसान नहीं होने वाला, ये मैं फ्री बता दे रहा हूँ आपको। इस शिफ्ट को देख के मैं कह रहा हूँ, अदर शिफ्टें हो सकता है अगर टफ रही होंगी तो वहाँ का अलग होगा, वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा और अलग अलग प्रोसेस होगा नॉर्मलाइजेशन का, तो वो एक अलग चीज़ होगी। इस शिफ्ट में जिनके भी इतने बन रहे हैं क्वेश्चन, अगर एससी में 105 तक आपके सही हो रहे हैं तो आप रनिंग अपनी स्टार्ट करिए। ओबीसी की बात मैं कर रहा हूँ, 110 से 115 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, 110 से कम 110 आ रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट करिए। जनरल के लिए भी 110-12 आप नंबर ले लीजिए, आप इतने आ रहे हैं तो आप। एक चीज़ मैंने और देखी, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे चांस होने वाले हैं इस बार, क्योंकि वैकेंसी 20% रिजर्व है लेकिन महिलाओं की संख्या उतनी नहीं थी। मेरे सेंटर की मैं बात करूं तो बमुश्किल से 3 से 4 महिलाएं मुझे मिली होंगी देखने को, और ऐसा ही हाल इससे पहले वाली शिफ्ट में देखा था मैंने। मैं पहुंच गया था टाइम से, मैंने रिव्यू भी कराया था पेपर का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं थी। तो लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनके लिए बहुत बढ़िया चांस रहे होंगे इसमें, वो अपना जो है उनका कट ऑफ कोई वो नहीं है। हो सकता है ऐसा आ जाए जिसकी आपने संभावना ही ना व्यक्त करी हो, बहुत कम आ जाए। इसके अलावा आपको कुछ अगर इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे साझा कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ जो है मैं आज शाम को आपके साथ साझा करूंगा, उसके बाद में आप लोग खुद भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कितने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं। यदि कल वाली शिफ्ट में आपका पेपर था तो आप मुझे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट अटेंड किए हैं, और बाकी शिफ्टों में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ और हो तो आप मुझे मेरे नंबर 9810455761 पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।